1940 की दहाई में अमरोहा के शहरी शहर की तमाम दीवारों पर चारकोल से खींची गई तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए होंगे, जबकि ये शहर अपने फिक्री माहौल की वजह से मशहूर था। आम तौर पर वहाँ अदब, शायरी पर तवज्जो दी जाती थी, ना कि बसरी फन पर। बसरी फन क्या होता था, ये अमरोहा के लोग जानते ही ना थे। वो लोग अमरोहा के रंगी हुई दीवारों को देखकर हैरान रह गए। ये तस्वीरें बनाने वाला और कोई नहीं, सादकैन अहमद थे। जी हाजरीन नाजरीन, मैं सादिया आतिफ एक बार फिर आपकी खिदमत में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर होने वाले हमारे खित्ते के लेजेंडरी आर्टिस्ट सैयद सादकैन अहमद नकवी पे बात करूंगी। आज हम यहाँ पर सादकैन के काम में लाइन क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमेशा से मुसव्विरी की दुनिया में हम ये सुनते आए हैं कि किसी भी मुसव्विर की तस्वीर में रंग बातें करते हैं, इसी तरह सादकैन की तस्वीर में, उनकी ड्राइंग्स में, उनकी कैलीग्राफी में, उनकी शायरी में लकीरें बातें करती हैं। आज हम उनकी तस्वीर में मौजूद इन लकीरों को परखेंगे, इन लकीरों को जानेंगे, इन लकीरों की मदद से सादकैन को समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के शहरे आफाक मुसव्विर, खत्तात और शायर सादकैन, जिनकी वजह शोहरत उनकी खत्ताती और मुसव्विरी है। सादकैन का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन मुसव्विरों में होता है। वो पाकिस्तान के एक बहुत ही फैज़ पहुंचाने वाले फनकार थे। उन्होंने बाकायदा किसी स्कूल से तरबियत हासिल नहीं की। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अपने जोरे बाजू पे सीखा। शुरू में उनके काम की बहुत सरनजिश की गई। रंगी हुई दीवारों को देखकर, छोटे छोटे रजिस्टर किताबों पर देखकर, आड़ी तिरछी लकीरों को देखकर उन पर तनकीद की जाती, उनको मना किया जाता। इस सरजनिश ने सादकैन को शुरू में मुतासिर तो किया, मगर इसी ने सादकैन का ड्राइंग के लिए जो जुनून था उसको और हवा दे दी, और इसी जुनून ने उनके मुस्तकबिल के काम के लिए उनकी फितरी सलाहियतों को उजागर किया। वैन गो की तरह उनका ख्याल था कि ड्राइंग हर चीज की जड़ है, और इसी ड्राइंग को उन्होंने एक नई जुबान बख्शी। वो तस्वीर को हकीकी रंग देने का फन जानते थे, जैसा कि हम उनके शुरू के काम में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने फिगर्स और उनके चेहरों को हकीकत से करीब बनाने की कोशिश की है। लेकिन पसंदीदगी के तौर पर उन्होंने ये ख्याल किया कि सीधी सादी हकीकी तस्वीर जिद्दत से हम आहंग नहीं होती, इसीलिए उन्होंने बहुत से मोमो जैसी तस्वीरें बनाई जिसमें कई शबीहात ये जाहिर करती हैं कि लोग चीज़ों की तरह होते हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। इब्तदाई काम में उनकी तस्वीर में हमें लकीरों का गलबा नजर आता है। उनके हर काम में लाइन को बहुत मजबूत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आम तौर पर ये लाइंस बहुत सादा लेकिन एक मजबूत जसामत लिए होती थीं।
जब भी हम सादकैन अहमद के काम की बात करते हैं तो उनके काम की मजबूत तरीन लाइंस हमेशा जहन में आती हैं। उनके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोर्ट्रेट और ड्राइंग्स पर मुश्तमिल था। इसके अलावा चाहे हम उनकी खताती को देख लें, चाहे उनकी लिखी हुई शेर व शायरी को देख लें, छोटी छोटी ड्राइंग्स देख लें, छोटे छोटे खाके देख लें, लेकिन जब भी इन तमाम तस्वीर, खताती, ड्राइंग को हम देखें तो इनमें जो लाइंस हैं वो अपने अंदर ही एक जसामत लिए हुए थी। अगर हम उनको देखें तो उसमें मौजूद पेचीदगियां बहुत नफासत से बनाई गई थी। कहीं पर ये लाइन पतली होती जाती तो कहीं मोटी। उनकी इन्हीं ड्राइंग्स में, पोर्ट्रेट में लाइन का ताना बाना बहुत खूबसूरती से बुना गया था। मजबूत लाइन से खेलते हुए उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रेट बनाए वो अपनी मिसाल आप है। आजकल के फनकारों के लिए सादकैन की सतरों की रवानगी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि किसी भी फनकार के काम में हमेशा कहा जाता है, जो मैंने शुरू में बोला था, कि रंग बातें करते हैं, लेकिन सादकैन साहब के काम में लकीरें बातें करती हैं। चाहे वो काम उनकी पेंटिंग पर मुश्तमिल हो, जिसमें कैक्टस के नोकदार कांटों की शक्ल, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की शक्ल, ये जिंदा लकीरें सादकैन के काम में चीखें मारती हैं और अपने होने का सबूत देती हैं। आर्ट में लाइन सबसे ज्यादा अहम अनासिर में से एक है। ये लाइंस आर्ट की तख्लीक में एक लाजमी किरदार अदा करती हैं। ये लाइन किसी भी आर्टिस्ट के काम में फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करती हैं और आर्टिस्ट के बुनियादी औजारों में से एक औजार मानी जाती हैं। जब एक फनकार कागज के टुकड़े या कैनवस पर बहुत सी लाइन से जब कोई छवि बनाता है तो वो काम अपनी शक्ल और मायनी दोनों को संभालना शुरू कर देता है। इसी तरह सादकैन के तमाम कामों में लाइन को एक खास अहमियत हासिल है और लाइन की इसी खसूसी तशखीस को ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान बल्कि बैरूनी दुनिया में भी सराहा और कबूल किया गया। जब भी सादकैन अपनी पेंटिंग में लाइंस के साथ खेलते थे तो वो हमेशा किसी चीज की हरकत को पकड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। वो किसी भी मौजू को शक्ल देने के लिए इन लकीरों का इस्तेमाल करते, चाहे वो लकीरें बोल्ड हों, थिन हों, लेकिन उनको बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता था। अब चाहे वो काम अलामती हो, चाहे खताती हो, पोर्ट्रेट हो, ड्राइंग हो, बड़ी खूबसूरती से इन लाइंस को खींचा जाता था। उनकी इन लाइन टेक्निक को कॉन्टोर लाइंस, ब्लाइंड कॉन्टोर लाइंस या कॉन्टिन्यूस लाइंस के नाम से जाना जाता है। मौजू में स्पाइक्स या नोकदार किनारे बनाने के लिए सादकैन कॉन्टोर लाइंस को मौजू की ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते थे, ब्लाइंड कॉन्टोर लाइंस को ड्राइंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान फर्क अमल दरामद का था। सादकैन जब भी किसी मौजू को या किसी ड्राइंग को सोचते थे तो उसको अपने कैनवस पर उतारने की कोशिश करते तो मुसलसल अपने ब्रश को, कलम को, पैलेट नाइफ, मार्कर, पेंसिल, कुछ भी उनके हाथ में हो, मुसलसल आड़ी तिरछी लाइनें बनाते चले जाते थे जब तक वो मौजू उनके सामने वाजे नहीं हो जाता था। इस मरहले में वो अपने कैनवस या कागज़ को देखते रहते थे, लेकिन ड्राइंग के मुकम्मल होने तक
वो कैनवस या कागज से अपना हाथ नहीं हटाते थे। सातकैन ने कर्वी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कागज पे, कैनवस पे, दीवारों पे थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल तासुर को उजागर किया। अमूदी लकीर यानी वर्टिकल लाइंस सीधे खड़े होने के इंसानी तजुर्बे की निशानदेही करती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वाकफियत के एहसासात को पकड़ती हैं जो लोग उफक को देखने से हासिल होती हैं। इस किस्म की लकीरें बसरी इस्तेहकाम की नुमाइंदगी करती हैं क्योंकि वो जामद रहती हैं। अमूदी लाइन एक्शन को जाहिर करती है जबकि अमूदी और उफकी लाइंस किसी भी तस्वीर में स्पेस का एहसास दिलाती है। अगरचे सातकैन ने ड्राइंग की मशकों में लाइनों का इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। वो किसी मौजू के इजहारी मौकफ की बेसाख्तगा नुमाइंदगी है। सातकैन अहमद की जेस्चर ड्राइंग अमूमन किसी भी आर्ट के मौजूआत में, जब भी किसी आर्ट के एलिमेंट्स की बात करें तो ये जो जेस्चर ड्राइंग्स होती हैं ये अमूमन 30 सेकंड से 2 मिनट के हदूद में होती हैं, जो अमूमन जेस्चर ड्राइंग का खासा होती हैं। इसी वजह से किसी भी हरकत को फौरी पकड़ पाना या उसके वेट को उस सतह पर उतार पाना मुमकिन होता है और इन्हीं मुमकिनात को सातकैन पूरा करते थे। उनकी जेस्चर ड्राइंग जिस उम्दगी से सतह पर उतरती थी वो देखने वाले को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेती थी। ड्राइंग में इस साइंस को अपनाना जिसमें जब भी जेस्चर ड्राइंग की जाती है इस किस्म की जो वर्जिश है वो कलाई को ढीला करने और आंख हाथ को आंख के साथ सीध में लाने में मदद देती है। ये एक पूरी साइंस है जो ड्राइंग में अपनाई जाती है और इसको अपनाना और अपने काम का हिस्सा बनाना सातकैन के लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना था। सातकैन अपने ड्राइंग टूल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल करते थे जैसे कि ब्रश, पैलेट नाइफ, चारकोल, पेंसिल, मार्कर, कलम। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लाइन के इजहार के लिए इस्तेमाल किया। जब भी किसी अजसाम की आउटलाइन बनानी होती थी उसके लिए वो ज़्यादातर पैलेट नाइफ की नोक या कलम की नोक को इस्तेमाल करते थे और बाज़ोकत इसी कलम या पैलेट नाइफ के चौड़े किनारे को ज़ेरे मुताला मौजू में वेट देने के लिए, एक ताकि उस प्रोडक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का वो हवा में तैरती हुई ना लगे, उसका एक वेट सतह पर एक बड़े मुनासिब तरीके से नज़र आए, उसको दिखाने के लिए वो हमेशा पैलेट नाइफ, कलम, ब्रश, जो भी उनके हाथ में होता था उसके चौड़े किनारे को इस्तेमाल करते थे। मास जेस्चर लाइंस को ड्राइंग में ड्राइंग के आले की चौड़ी तरफ को इस्तेमाल करके ही दिखाया जाता था। लाइन को पूरा करने के लिए चारकोल एक बेहतरीन टूल था जिससे सातकैन अपने अवाइल उम्री में ही मुतासिर हो गए थे। उन्होंने ज़ेरे मुताला मज़मून की लाइन में एक बरजस्तगी लाने के लिए वो हमेशा ड्राइंग टूल को तिरछा इस्तेमाल करते थे। ड्राइंग टूल के इस इस्तेमाल से वो ख़ास तौर पर मौजू की कसाफत यानी डेंसिटी को दिखाते थे। लाइन में वज़न दिखाने के लिए वो अपने टूल को कभी ज़्यादा दबाव और कभी हल्के दबाव के साथ इस्तेमाल करते थे। सातकैन हमेशा किसी भी मौजू को बनाने से पहले इसके बेशुमार खाके तैयार किया करते थे।
जिससे उनके जहन में मौजूद जो भी खाका होता वो सामने झलकना शुरू कर देता था। वो एक बेहतरीन तस्वीर के लिए इसका बेहतरीन तज्जिया करना, और वो भी इसके खाके से, ये काम तो सिर्फ सातकैन को ही आता था। एक मशहूर मुसाविर बनने के बाद भी वो अक्सर अपनी तस्वीर को मुकम्मल करने से पहले और बाद में उनका मुताला किया करते थे, और ये मुताला ड्राइंग्स की सूरत में होता था। इस मुताले के नतीजे में बेशुमार ड्राइंग्स हमें नजर आती हैं। वो कभी कभी पहले किसी तस्वीर को मुकम्मल करके बाद में उनके ड्राइंग्स बनाया करते थे, और कभी कभी बेशुमार ड्राइंग्स को बनाने के लिए एक मुकम्मल तस्वीर निकाला करते थे। उनकी बेपना ड्राइंग्स, वो खाके, वो मशकें जिससे उन्होंने ना जाने कितनी कॉपियां, रजिस्टर, दीवारें, कितनी सतें, कैनवस भर डाले, ये सब चीजें उनकी ड्राइंग से गहरी वाबस्तगी को दिखाती हैं। किसी भी तस्वीर में ड्राइंग की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक कोई अजसाम का खाका बेहतर नहीं हो, वो तस्वीर भी बेहतर बन ही नहीं पाती। इन तमाम चीजों के नतीजे के तौर पर वो अपनी तस्वीर में एक बेहतरीन मुसव्विर बनने से पहले एक बेहतरीन ड्राफ्टमैन बन गए थे। उनकी ड्राइंग गैर मामूली थी, जिनको उन्होंने अपने फलसफे की आउटलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसकी मिसाल बेशुमार बाकमाल तस्वीर, ड्राइंग्स और म्यूरल्स में झलकती है। सातकैन ने मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग्स बनाई। उनके मीडियम्स में जहां बेबहा चीजें शामिल हैं, वहां बहुत से गहरे रंग भी शामिल हैं। फनून के मैदान में सातकैन की शराकत बहुत ज्यादा है। अदब के मैदान में उनकी शराकत नाकाबले यकीन है। उन्होंने महज रोजी कमाने के लिए आम पेंटिंग्स नहीं बनाई, बल्कि यादगारों को पेंट किया और तमाम चीजें बनी नू इंसान के लिए अतिया कर दी। फ्रांस के सबसे बड़े अखबार लफिगारो में तस्लीम शुदा यूरोपी आर्ट नकाद ने पिकासो के फन से उनके फन का मुआजना किया था। उन्हें हिंदुस्तानी प्रोफेसर और मुसन्निफ ने अपनी किताब तनकीदे रुबाई में जदीद दौर का सबसे बड़ा शायर करार दिया था, और अखबार खलीज टाइम ने उन्हें खताती के फन की निशाते सानिया का जिम्मेदार करार दिया था। उनके म्यूरल की तादाद और सतह का रकबा माइकल एंजलो और डियागो के मुश्तरका से भी ज्यादा है। बहुत सी किताबों का मौजू और डॉक्ट्रेट के मुकालों का फोकस सातकैन की जात रही है। सातकैन मुल्क का सबसे ज्यादा नजर आने वाला, पहचाना जाने वाला, लिखा जाने वाला, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फनकार है। वो काबिल और जिद्दत पसंद थे। उन्होंने तकरीबन 40 साल तक 1950 की दहाई के अवाइल से लेकर 10 फरवरी 1987 तक, जब वो कराची में 57 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, अनथक काम किया, बेशुमार पेंटिंग्स बनाई, बेशुमार आर्टवर्क तख्लीक किए। उन्होंने कुछ अंदाजों के मुताबिक 15,000 से ज्यादा आर्ट पीसेस को पेंट किया, जिसमें म्यूरल, पेंटिंग्स, ड्राइंग और खताती शामिल हैं।
उन्होंने मुल्क में हैरत अंगेज दीवारी फ़न को मुतारिफ़ करवाया और अपनी ज़िंदगी में 45 से ज़्यादा देवमलाई पेंट किए, जो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मशरक़ वस्ता, यूरोप, शुमाली अमेरिका में फैले हुए हैं। उन्होंने अपने फ़न पर अपने अंदाज की मोहर सब्त की, जिसकी जड़ें उनके हिंद फारसी पस मंज़र और भरपूर सकाफ़ती विरसे से जुड़ी हुई थी। मजबूत और मखसूस लकीरें, शक्लें, चेहरे, आदाद शुमार और गंभीर रंग उनके मुमताज़ आर्ट वर्क की पहचान है, जिन्हें बेहतरीन जहनों ने शानदार और हैरान कुन करार दिया है। डॉक्टर अकबर नकवी, जो पाकिस्तान के सबसे काबिले एहतराम आर्ट नकार हैं, उन्होंने अपनी किताब इमेज एंड आइडेंटिटी में लिखा है, अगर सातकैन ने सिर्फ ड्राइंग के अलावा और कुछ ना किया होता तो वो मुल्क में जदीद आर्ट के मौजूदों में शुमार होते। सातकैन के फिक्री जहानत ने जदीद और असरी फन की तरक्की को बेमिसाल वसत के साथ मुतासिर किया। उनके म्यूरल, पेंटिंग, ड्राइंग, खताती और शायरी की बेपनाह काम से बेशुमार फिक्री, सियासी, समाजी और दिलकश पैगामात मिलते हैं। ये कहना मुबालगा अराई न होगी कि अगर सातकैन ने सिर्फ म्यूरल के अलावा कुछ ना किया होता तो भी वो इस खित्ते के सबसे बड़े फनकार समझे जाते। उनके इंतकाल के 3 दहाइयों के बाद अज मर्ग शोहरत इनकलाबी इजहार पसंदी के साथ जदीद और बामायनी फन की ठोस बुनियाद पर इस्तवार रही है, जिसे बहुत से नकाद जदीद आर्ट की इब्तदा समझते हैं। बहुत से लोगों के लिए सातकैन को वो फनकार समझा जाता है जिसने बसरी फन को एक नए दौर में इस तरह पहुंचाया जिस तरह सनतकार और शहरी तरक्की ने माशरे के दीगर समाजी और इक्तसादी हालात को मुतासिर किया है। सातकैन के म्यूरल, पेंटिंग, ड्राइंग और खताती का एक साबका मजमुआ एक हैरत अंगेज तख्लीकी और काबले कदर तजुर्बा है। सातकैन ने अंतक मेहनत की, इतना काम किया कि ब्रश और कलम को पकड़े पकड़े उनकी उंगलियां वैसी ही मुड़ी की मुड़ी रह गईं, जिसके लिए उन्होंने दावा किया था कि उनके हाथ ने अरबी रस्मुल खत में लफ्ज अल्लाह की शक्ल इख्तियार कर ली है। उन्होंने अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में बड़े पैमाने पर सफ़र किया। सातकैन का फ़न इंसानियत, फितरत और मुआशरे पर उनके असरात का अक्कास है। ये उनके काम का मौजू और मकसद था जिसे उन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज में पेश किया। सातकैन शक्लो सूरत से एक आम आदमी, साख्त में दुबले और कमज़ोर, कद में कदावर, लेकिन फितरत के एतबार से सादा और बेनियाज। उनकी ज़िंदगी खुशियों का सफ़र अफसानों की तरह दिलकश और अफसानवी की तरह दिलचस्प थी। एक सादा सी तस्वीर शोख और सार्फियत से परहेज़ और महदूद ख्वाहिशात का दावा सातकैन की शख्सियत की वजाहत करता है। वो कभी भी पैरोकार, उसूल तोड़ने वाले और ट्रेंड सेट करने वाले नहीं थे। उन्होंने यकीन वलवले के साथ काम किया। सोचे समझे तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजों को तब्दील नहीं किया, बल्कि अपने मुनफरिद काम से आर्ट की दुनिया में अपना मुकाम बनाया। मुल्क के फन की तारीख को दोबारा लिखा। उन्होंने नहायत बेलौसी से मुल्क को वो सब कुछ दिया जो वो दे सकते थे।
और इसके बदले में उन्होंने कुछ भी ना मांगा। हाँ, बगैर मुआवजे के अक्सर अपना काम बांट दिया करते थे। सातकहन अक्सर कहते थे कि वो मुतमईन आदमी हैं, उनकी कोई जरूरतें अगरचा पूरी नहीं होती लेकिन उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। अपने स्टार्डम के अरूज पर उनकी दुनियावी अमलाक में चंद कपड़ों के जोड़े, एक फटे हुए जूते, अखबारी तराशों और तस्वीर के बंडलों से भरा सूटकेस था, जो गालिबन उनके पसंदीदा शायर गालिब के मशहूर सत्रों पर मुश्तमिल होगा। सितम जरीफी ये है कि सातकैन के ज्यादातर काम को पेशावराना तौर पर कैटलॉग नहीं किया गया। सातकैन की ड्राइंग पर सिर्फ वो किताबें जो माजी में कभी शाया हुई थी, वो खुद सातकैन ने अपनी जिंदगी में शाया की थी, जिसमें किताबों की तादाद तो मालूम नहीं और ये भी मालूम नहीं कि अब कितनी मौजूद हैं। 1970 में जो किताब शाया हुई उसमें तकरीबन 100 ड्राइंग शामिल हैं, जिसमें हम सातकैन की खूबसूरत बोल्ड लाइन वर्क को देख सकते हैं। हमेशा की तरह ही सातकैन ने इन किताबों को कभी फरोख्त करने के लिए दस्तयाब नहीं किया, अपने जायरीन को ऐसे ही दे दिया। उम्मीद है मेरा ये तज्जिया सातकैन की ड्राइंग के हवाले से, उनके लाइन वर्क के हवाले से, उनकी तस्वीर का तज्जिया करने और मुनासिब तारीखी और सकाफ़ती सियाको सबाक से रवाबत कायम करने में मददगार साबित होगा। जिसके लिए मैं सर सुल्तान अहमद की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस मौजू में रिसर्च करने के लिए मेरी बहुत रहनुमाई फरमाई है। सातकैन का काम हमेशा हमारे दरमियान रहेगा। बहुत से मुझ जैसे आने वाले आर्टिस्टों को उनके काम को देखकर, उनकी लाइन को देखकर, उनकी लाइन की क्वालिटी को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जैसा कि हमेशा से किसी भी स्टूडेंट के लिए इब्तदाई तौर पर ड्राइंग अहमियत रखती है। और यही ड्राइंग करने के लिए अगर वो सातकैन के काम में उनकी लाइन की क्वालिटी को देखेंगे, जो अपने अंदर एक मुकम्मल इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती हैं, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, अपनी ड्राइंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि सातकैन अपने अंदर ही एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते थे। सातकैन को उनके ग्रां कदर खिदमात पर मुख्तलिफ कौमी एजाजात से नवाजा गया, जैसे 1960 में उन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, 1961 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, 1985 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया और फिर 2020 में निशाने इम्तियाज भी मिला, जो अब तक का सबसे बड़ा अवार्ड है। इन एजाजात के साथ साथ बैनुल अक्वामी सतह पर भी सबसे ज्यादा पजीराई हासिल करने वाले आर्टिस्ट बने रहे। ऑस्ट्रेलवी सकाफती अवार्ड मिला, गोल्ड मर्क्यूरी एक अवार्ड मिला और बिनाले दी पेरिस अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। पूरी दुनिया ने सातकैन को सराहा है। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब हमेशा उनकी इस बरसी के मौके पर और बहुत सारे आने वाले दिनों में उनको याद रखेंगे।
उनके काम के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी सादगी के हवाले से हमेशा साथ के इनको याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया।